अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। पंद्रह बीस दिनों से मुमरा कौसा में बिल्कुल भी पानी नहीं है। कब तक है मुमरा कौसा को एड़ा बनाओगे ये बोल बोल के पानी का प्रेशर कम है? भाई लोग चांद पे जा रहे और यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन मुमरा कौसा को पानी नहीं है। महापालिका ने उखाड़ के फेंक दिया सम पंप को। आपका 3 और 4 टैंकर के फेरे इतने बड़े मुमरा की आबादी में बस होगा? बताओ आप मुझे कि उसमें से कितना करोड़ आपने मुमरा के लिए खर्चा किया? 25 साल पहले कितना टैक्स लेते थे आप मुमरा से? आज कितना टैक्स लेते हो? देखो अगर पब्लिक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा भंग कर दे तो आपका TMC बंद हो जाएगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। मुमरा के कई इलाकों के लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। सड़कों पर हंगामा करते हुए ये लोग पानी के लिए आज मोर्चा निकाले हैं। इनके हाथों में बैनर है कि मुमरा से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुमरा कौसा में पानी की रिमॉडलिंग में करोड़ों रुपये खर्च हुए, फिर भी स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। मुमरा की सड़कों पर अर्थ निकाला गया जिस पर लिखा गया था लाचार महानगर पालिका। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई कि गंदी राजनीति बंद करो। मुमरा कौसा की जनता का मटका फोड़ आंदोलन पानी पुरोठा विभाग पर पहुंचकर घेराव किया कि आखिर पानी शहर में क्यों नहीं आ रहा है। शहर में पानी न आने का ठिकरा जनता नेताओं के साथ साथ प्रशासन पर भी फोड़ रही है कि पानी देने में नेता और प्रशासन दोनों फेल नजर आ रहे हैं। वैसे आज निकाले गए पानी का मटका फोड़ आंदोलन मर्जिया पठान की तरफ से निकाला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और मुमरा के कई इलाकों में पानी ना आने की वजह से लोगों में काफी गुस्सा भी देखा गया। आज यहाँ पर जो है पानी बड़ा आंदोलन किया गया। मैडम आज आप यहाँ पे पानी का आंदोलन लेके यानी मोर्चा लेकर आए हैं पानी विभाग पर, क्या कारण थे कि आपको इतना विशाल मोर्चा लेके आना पड़ा? 15-20 दिनों से मुमरा कौसा में बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके लिए मेरे जो वालिद हैं माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ चानू पठान, उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था TMC में। उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि काम होगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुमरा कौसा को आप कितने टाइम तक के ये बोलते रहोगे कि पानी का प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर कम है? महीने में 4 बार आपका पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो 4 बार प्रेशर कम होता है, आप कब तक के मुमरा कौसा को एड़ा बनाओगे ये बोल बोल के पानी का प्रेशर कम है? महीने में 4 बार पानी का प्रेशर कम हो रहा है तो कहाँ है आपकी सुविधा? आप पावरफुल TMC हो, थाने महानगर पालिका कोई भिखारी TMC नहीं है, गरीब TMC नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट TMC है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल TMC है महाराष्ट्र की। और आप लोग और मुमरा वहाँ पे भाई लोग चांद पे जा रहे और यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन मुमरा कौसा को पानी नहीं है। आपको फैक्चुअल बात बताती हूँ, MIDC ने संपम उखाड़ के फेंक दी कल्याण फाटा में, महापालिका को पता ही नहीं है इसके बारे में। जब मेरे फादर ने उस पर आंदोलन किया तब उनको पता चला कि महापालिका ने उखाड़ के फेंक दिया सम पंप को, तो कहाँ है आपका ध्यान किधर है? महापालिका बंद है तो आपका ध्यान किधर है? फिर 3-3.5 साल से महापालिका बंद है, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? कचरे की तकलीफ हो रही है, चैम्बर की तकलीफ हो रही है, पानी की तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर आएंगे? कॉर्पोरेटर्स के पास ही आएंगे ना बोलने के लिए। अरे वो चेन ही तोड़ दिया आप लोगों ने, 3.5 साल से वो चेन ही टूटी हुई है, क्योंकि सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? अगर MLA साहब के पास जाना है तो 1 दिन लगता है कम से कम पहुंचने के लिए, MP के पास जाना रहेगा तो 1 हफ्ता लगेगा। सबसे पहले लोग कहाँ आएंगे? नगर सेवक के पास आएंगे, और नगर सेवक जब दम दाटी करता है वहाँ पे जाके सवाल करता है तो काम होता है। आपने वो चेन ही तोड़ दी पूरी और आप बोलते हो हम सक्षम है, हम करके देंगे। कहाँ करके दिया आपने? 15-20 दिन से लोगों के पास पानी नहीं है, आप टैंकर का बोल रहे हो? आपका 3 और 4 टैंकर के फेरे इतने बड़े मुमरा की आबादी में बस होगा? 300 डायमीटर की आपकी जो लाइन है जो बाईपास से इधर आ रही है,
मुमरा में बाईपास के थ्रू आती है वो लाइन, पानी मिलता है मुमरा को उससे, वो लाइन 25 साल पुरानी है। 2019 में पहला पास हुआ 170 करोड़ का रीमॉडलिंग का बजट मुमरा दीवा के लिए, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा बढ़ाव होके 2020 करोड़ का वो बजट निकला। मुझे बताओ, मुझे टीएमसी से पूछना है, अधिकारियों से पूछना है, उस्ताद से पूछना है, बताओ आप मुझे कि उसमें से कितना करोड़ आपने मुमरा के लिए खर्चा किया, और अगर किया है तो सिफाइल का है, और किधर किधर किया है आपने उसको खर्चा, और उसका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमको देखने के लिए जरा भी नहीं मिल रहा है। अरे इम्प्रूवमेंट छोड़ो, जाके वो चेक करो, उसके वॉल और नट्स तक नहीं बदले गए हैं। 25 साल पुरानी लाइन है 300 डायमीटर की, 25 साल पहले कितनी आबादी थी मुमरा कोसा में, हाँ आज कितनी आबादी है मुमरा कोसा में, 25 साल पहले कितना टैक्स लेते थे आप मुमरा से, आज कितना टैक्स लेते हो ना। जो अधिकारी, जो सारे लोग वहाँ पे सिस्टम के बैठे हुए हो ना, वो वहाँ पे बैठे इसलिए क्योंकि आम आदमी अपने पैसे भरता है, आम आदमी टैक्स भरता है, इसके लिए आप वहाँ पे बैठ सक रहे हो, आपकी जॉब वहाँ पे है, ठीक है। नहीं तो अगर पब्लिक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा भंग कर दे तो आपका टीएमसी बंद हो जाएगा। आंदोलन कभी फेलियर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जब प्रशासन भैरी हो जाती है तो फिर लोगों को बाहर निकल के एकजुट होकर के लोगों को, जब तक वो सुनने ना लगे तब तक के उनको सुनवाना पड़ता है। हम लोग इससे डबल पब्लिक लेके जाएंगे कमिश्नर ऑफिस में, हमको डर नहीं लगता। अब क्या करोगे, हमको उठा के अंदर डालोगे, केस करोगे, पर पब्लिक इतनी तकलीफ है, पब्लिक पावर से बड़ा पावर नहीं है आप लोग का। अभी अधिकारी से हमको बात करनी ही नहीं है, 15-20 दिन से रोज बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात करेंगे हम लोग अभी उनको, फिर वही बातें बातें बातें, करके दिखाओ हमको, प्रूफ करके दिखाओ हमको, पानी दो हमारी पब्लिक को, हमको नहीं लेना देना, तुम्हारा प्रेशर कम है, तुमने अभी तक के 15 साल में तुमने मुमरा कोसा को अभी तक के तुमने क्यों नहीं दिया, एक सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं दिया, MIDC से तुम्हारा लिंक नहीं है क्या, ऐसे कैसे तोड़ दिया उसने संपम, आपको पता नहीं। देखिए मुमरा में ये प्रशासन का फेलियर है या मुमरा कोसा में गंदी राजनीति की जा रही है कि क्या है, जो भी है आई डोंट केयर, पब्लिक परेशान है और पब्लिक परेशान है तो हम परेशान है और हम पब्लिक के साथ है जब तक कि उनका मसला हल ना हो। थाने में भी थी जब मेरे वालिद ने किए थे, तभी थाने में भी परेशानी थी पानी की, पर उसके बाद अभी वहाँ पे ऐसा परेशानी नहीं है, मुमरा में प्रोलोंग्ड है, इसलिए तो हम ये वापस से क्यों लेकर आए, पानी की परेशानी यहाँ पे इतने टाइम से प्रोलोंग्ड स्ट्रेस है पानी का, थाने में था एक दिन दो दिन में ठीक हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद हम लोग जाएंगे, मैंने आपको बताया कमिश्नर ऑफिस जाएंगे।